तो दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आपको जियो के 5G सिम कार्ड की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी, मैंने एयरटेल के 5G सिम कार्ड की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी और एक टेलीकॉम कंपनी बची हुई थी जिसका नाम है VI, वोडाफोन और आइडिया। आज के इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के भी 5G सिम कार्ड की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्या कहाँ से ये सिम कार्ड मुझे मिला। सबसे बड़ी बात दोस्तों, 5G जो है वो वोडाफोन आइडिया अब यहाँ पर कैच भी करना स्टार्ट कर चुका है, 5G चलना भी स्टार्ट हो गया। साथ में मैं आपको बता दूँ कि 5G प्लान को भी लेकर के एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जो कि आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जियो जो है वो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग होकर के पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होकर के अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है वो यहां। लेकिन जो एयरटेल और VI है वो यहां पर एग्जिस्टिंग जो 4G नेटवर्क, जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंडिया में अवेलेबल है जिसपे 4G चल रहा है उसी का यूज करके ये लोग 5G नेटवर्क को इंडिया में रोल आउट करने वाले हैं जिससे इनका जो कॉस्ट है वो कम आएगा। अब यहां पर उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि एयरटेल ने अब ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, एयरटेल ने अब यहां पर कंफर्म कर दिया है कि एक नया 5G सिम कार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग 4G सिम कार्ड है उसी पे हमारा एयरटेल का जो 5G है वो चलने वाला है, बस आपको एक 5G स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी। सेम वही चीज वोडाफोन और आइडिया के साथ में भी होने वाला है और वोडाफोन आइडिया के भी जो 4G सिम कार्ड है उसी पे जो 5G नेटवर्क है वो यहां पर रन होने वाला है। 5G सिम कार्ड लेने की कोई जरूरत यहां पर नहीं पड़ने वाली है। ये लोग यहां पर जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 4G सिम कार्ड है, 4G के काफी सारे और भी जो टेक्नोलॉजीज हैं जो टावर वगैरह में यूज हो रही हैं उसी का यूज करके ये लोग 5G को यहां पर रोल आउट करने वाले हैं, 5G नेटवर्क प्रोवाइड करने वाले हैं, 5G स्पीड प्रोवाइड करने वाले हैं। और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि ये जो वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड है ये 4G सिम कार्ड है और यहां पर इसी पे जो 5G है वो रन होने वाला है। अगर मैं यहां पर इसके पैकेट की बात करूं तो पैकेट जो है वो थोड़ा सा वोडाफोन ने चेंज किया है, यहां पर VI हीरो अनलिमिटेड करके लिखा हुआ आ रहा है। इसके साथ में अगर हम इसके अंदर के लिफाफे के बारे में बात करें तो लिफाफे में यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का सिम कार्ड देखने को मिलता है, हालांकि सिम कार्ड मैं निकाल चुका हूँ, मेरे स्मार्टफोन में सिम कार्ड लगा हुआ है तो कुछ इस टाइप का जो हमें जो सिम कार्ड है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ ये है कि पहले अगर हम 4G तक बात करें तो 4G तक जो सिम कार्ड आती थी उसमें हमें सिम कार्ड के साथ में एक लिफाफा भी देखने को मिलता था, साथ में कुछ उसमें हमें स्टीकर देखने को मिलते थे, एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता था। लेकिन मैंने अनबॉक्सिंग किया जियो के सिम कार्ड की, वोडाफोन के सिम कार्ड का भी कर चुका हूँ और एयरटेल के भी सिम कार्ड का कर चुका हूँ जो कि 5G रेडी सिम कार्ड आया है। इन सभी सिम कार्ड के लिफाफे में हमें सिर्फ और सिर्फ ये सिम कार्ड देखने को मिलता है, बाकी इसमें कोई भी यूजर मैनुअल, यूजर गाइड, स्टीकर वो सारी चीजें गायब कर दी गई हैं, तो सिर्फ खाली लिफाफा है, ये सिम कार्ड है बस और कुछ भी नहीं है। अब बात करें इसके पैकेजिंग के बारे में तो पैकेजिंग हालांकि ठीक ठाक है लेकिन यहां पर कहीं पर भी 5G मेंशन नहीं है। लेकिन यहां पर एक्सपर्ट्स की माने तो इसी पे 5G रन होने वाला है क्योंकि वोडाफोन आइडिया भी यहां पर एग्जिस्टिंग जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का यूज करने वाले हैं। अब यहां पर 5G नेटवर्क के चलने के बारे में बात करूं तो यहां पर काफी सारे यूजर ने मुझे यहां पर बताया है कि हमारे एरिया में हम 5G स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड लगा हुआ है, उस पे जो नेटवर्क कनेक्टिविटी जो शो करता है वहां पर जो 4G लिखा हुआ आता है टावर के पास में हमारे स्मार्टफोन में वहां पर 5G करके लिखता है कभी कभी, तो क्या 5G चलना स्टार्ट हो गया है? तो मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया भी एयरटेल की तरह ही यहां पर अलग अलग लोकेशन में अपने 5G नेटवर्क की टेस्टिंग कर रहे हैं जिसके दौरान यहां पर आपके स्मार्टफोन में 5G जो है वो लिखा हुआ दिख रहा होगा। लेकिन अभी ऑफिशियली तौर पे 5G चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, भले ही वो 5G लिखा होगा लेकिन यहां पर वो 4G नेटवर्क ही है। जब तक आप उसमें डेटा प्लान वगैरह का रिचार्ज वगैरह नहीं कराएंगे तब तक वो 5G एक्टिवेट नहीं होगा, तो 5G जरूर यहां पर आपको शो होगा, आप कहेंगे 5G चल रहा है लेकिन वो एक्चुअल में 5G नहीं है। कंपनी ऑफिशियली लॉन्च करेगी उसके बाद में 5G आप यहां पर यूज कर पाएंगे, लेकिन हां 5G की टेस्टिंग स्टार्ट है इसीलिए आपके स्मार्टफोन में 5G लिखा हुआ शो हो रहा है। और यहां पर 5G लॉन्च के बारे में बात करें VI की तरफ से तो यहां पर VI जो है वो इनका कहना है कि हम यहां पर सबसे पहले 13 सिटीज में जो गवर्नमेंट ने 13 सिटीज को सेलेक्ट किया था, बेसिकली जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें ये लोग यहां पर सबसे पहले वोडाफोन आइडिया भी फोकस कर रहे हैं उसी सिटीज पे, और इनका कहना है कि हम यहां पर अगले साल तक पूरे इंडिया में 5G नेटवर्क जो है वो यहां पर रोल आउट कर देंगे। इसके साथ में वोडाफोन आइडिया की तरफ से 5G प्लान को भी लेकर के डिटेल आई है। कहा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो सबसे सस्ता 5G प्लान प्रोवाइड कर सकता है इंडियन
टेलीकॉम सेक्टर में। और यहां पर बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो सबसे सस्ता 5G प्लान हो सकता है वो 199 रुपए का हो सकता है। अब इसमें बेनिफिट क्या क्या देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल तो होगी ही, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन डेटा कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। साथ में कहा जा रहा है कि जिस टाइप से वोडाफोन आइडिया अभी 4G के टाइम पे अपना हीरो अनलिमिटेड प्लान लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको 299 रुपए में अनलिमिटेड जो डेटा है वो रात को देखने को मिलता है, साथ में आपको वीकेंड में जो डेटा बचा हुआ है वो देखने को मिलता है। तो कुछ इस टाइप का जो प्लान है वो वोडाफोन आइडिया 5G के साथ भी ला सकते हैं, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर रिचार्ज पे पूरे रात अनलिमिटेड इंटरनेट 5G का यहां पर देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस टाइप की इंटरेस्टिंग प्लानिंग चल रही है वोडाफोन आइडिया के साथ में। अब यहां पर देखते हैं कि कौन सी जो टेलीकॉम कंपनी है वो सबसे पहले 5G को पूरी जगह में रोल आउट करती है, और कौन सी टेलीकॉम कंपनी का जो 5G नेटवर्क है वो यहां पर काफी सस्ता होता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है VI के इस सिम कार्ड के बारे में, क्या आप भी VI का जो 5G रेडी सिम कार्ड है वो यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।